हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में गांधी जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस साल गांधी जी की 153वीं जयंती है। गांधी जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी को याद करने के लिए 2 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इस अवसर को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि लोग जिनमें राजनीतिक नेता और प्रख्यात हस्तियां शामिल हैं गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर मैं आपको उनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पता हो। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पूरा देश इसे सेलिब्रेट कर रहा था, सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर दिल्ली में थे, तब महात्मा गांधी इसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पार्टीशन के खिलाफ थे। वो उस दिन बंगाल के कलकत्ता में थे और फास्टिंग और प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, और पार्टीशन की वजह से जो दंगे और वायलेंस स्टार्ट हुआ था वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। 1930 में उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया और गांधी जी यह सम्मान पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। उनके अलावा आज तक किसी भी भारतीय को यह सम्मान नहीं मिला। और 1999 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द सेंचुरी के खिताब के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को चुना गया था क्योंकि टाइम के एडिटर्स का ये मानना था कि 20वीं सदी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए याद रखी जाएगी, और महात्मा गांधी को रनर अप के रूप में चुना गया था। गांधी जी को कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज के लिए महात्मा गांधी को 5 बार नामांकित किया लेकिन उन्होंने कभी पुरस्कार नहीं जीता। उन्हें 1937, 1938, 1939 और 1948 में उनकी हत्या से कुछ दिन पहले नामित किया गया था। नोबेल कमेटी ने महात्मा गांधी को रेस्पेक्ट करते हुए वर्ष 1948 के लिए किसी को भी नोबेल पीस प्राइज प्रदान नहीं किया। बाद में कमेटी ने खेद भी व्यक्त किया था कि उन्होंने गांधी जी को पहले ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया। वह फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्होंने 3 फुटबॉल क्लब बनाए, एक जोहान्सबर्ग में, दूसरा प्रिटोरिया में और तीसरा डरबन में, और इन तीनों क्लब्स का नाम पैसिव रेजिस्टर्स सॉकर क्लब था। ग्रेट ब्रिटेन, जिस देश के खिलाफ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ने उनकी मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। गांधी जी के जन्मदिन के शताब्दी वर्ष को सम्मानित करने और चिन्हित करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने वर्ष 1969 में गांधी जी के चेहरे के साथ एक डाक टिकट जारी किया। उस समय गांधी जी ब्रिटिश डाक टिकट पर स्मरण किए जाने वाले विदेशों से पहले राजनेता थे और गांधी जी सबसे ज्यादा देशों के स्टाम्प पर फीचर होने वाले भारतीय हैं। इन्हें 100 से भी ज्यादा देशों ने अपने स्टाम्प पर फीचर किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के सपोर्टर थे, तो 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाया जाएगा। और तब से ही हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। 1882 में गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे जब उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा से हो गई थी। गांधी जी के नाम पर कई चीजें बनी हैं, जैसे महात्मा गांधी रोड्स जो कि लगभग पूरे देश में फैले हुए हैं, और भी बहुत चीजें गांधी जी के नाम पर बनी हैं, जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फाउंडेशंस और भी बहुत स्ट्रक्चर्स और प्लेसेस। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके अंतिम संस्कार में 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और बिरला हाउस से राजघाट तक पहुंचने में 5 घंटे लगे थे। तो दोस्तों, यही थे महात्मा गांधी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।